नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी इस वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। इट इज अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स विच इज हैपनिंग ऑन 30th of April, 30 से 1 मई, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन, उसके टाइम के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण होगा। ये इंडिया में विजिबल नहीं होगा, बट इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, वो सभी लोगों के ऊपर आएगा। ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में पूरे 117 साल बाद दोबारा हो रहा है। एंड दिस सोलर इक्लिप्स विल बी फॉलोड बाय अ लूनर इक्लिप्स विच विल बी अ टोटल लूनर इक्लिप्स ऑन 16th of May। तो क्योंकि ये ग्रहण बहुत पास पास हैं, तो हमें इनका असर, इनका प्रभाव अपने ऊपर कुछ 15-20 दिन पहले से महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप सभी इस प्रभाव को महसूस कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ। जैसे कि थोड़ा सा नींद में डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होना, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होना, बट एट द सेम टाइम कन्फ्यूज्ड होना। तो ऑल दीज थिंग्स माइट इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस। आज मैं बात करूँगी इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से होने वाले प्रभावों के बारे में, ये हम सब पे क्या क्या प्रभाव डालेंगे और हम सभी को किस तरीके से इनके लिए तैयार होना है, मतलब कि हमें क्या प्रेपरेशन करनी है, अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है टू डील विद द सिचुएशंस विच आर कमिंग बिकॉज ऑफ दीज इक्लिप्सिस। ये सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है, पर कुछ के लिए ये अनसर्टेनिटी लाइफ में ला सकता है। तो हमें तैयार रहना है कि हम उन अनसर्टेनिटीज के साथ कैसे डील करें। तो फिर बात करते हैं आगे कि ये सूर्य ग्रहण एक्चुअली है क्या। सूर्य ग्रहण जब पड़ता है या चंद्र ग्रहण जब होता है, ये जनरली आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा, इट हैपन्स व्हेन सन एंड मून दे कम इन बिटवीन ईच अदर, और एक दूसरे के रास्ते में ऑब्स्टेकल की तरह आते हैं, तो परछाई जैसी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ग्रहण। और इसमें क्योंकि राहु केतु भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमें इन्हें एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। दिस पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड टोटल लूनर इक्लिप्स आर एट अ वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम, कुल 15 से 16 दिन का इनमें गैप है। तो इस वजह से हम सब नोटिस करेंगे कि हमारी मानसिकता पे बहुत ज़्यादा असर होता हुआ हमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये है, जब ग्रहण पड़ता है तो उसमें चंद्रमा इन्वॉल्व होता है, सूर्य इन्वॉल्व होता है, और यहाँ राहु केतु भी इन्वॉल्व हैं। राहु केतु क्या है? राहु इज द नॉर्थ नोड ऑफ मून एंड केतु इज द साउथ नोड ऑफ मून। तो मून बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस ले लेता है इस ग्रहण में, और मून क्या है? मून है हमारा माइंड। सो दैट्स वाई वी समटाइम्स वी मेंटली गेट वेरी डिस्टर्ब्ड, और यू कैन से साइकोलॉजिकली वी आर डिस्टर्ब्ड। और माइंड क्योंकि मून है और इम्यूनिटी सन है, तो आर मेंटल सैनिटी एंड आर फिजिकल इम्यूनिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स और अराउंड द सोलर इक्लिप्स। ये सोलर इक्लिप्स के असर, कुछ प्रभाव हमें कुछ 15-20 दिन पहले से अपने ऊपर, अपने चारों तरफ महसूस होने लगते हैं, और इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये करीब अगले 6 मंथ्स तक, 6 महीनों तक हमें इनका प्रभाव अपने ऊपर महसूस होता है। दीज इक्लिप्सिस विल मेजरली इम्पैक्ट आर अदर लाइफ इवेंट्स, फाइनेंसेस एंड बिजनेसेस आल्सो, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड जैसा कि मैंने आपको अपने पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि अप्रैल मंथ में बहुत सारे प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, उनका गोचर हो रहा है, तो उसमें से एक बृहस्पति थे जो कि 13 तारीख को जिनका ट्रांजिट हुआ, और राहु केतु थे जिनका ट्रांजिट 12 तारीख को हुआ, और अब शनि हैं जिनका कि ट्रांजिट 29 अप्रैल को होने वाला है। तो जब जब इनका ट्रांजिट होगा, जैसे ही शनि एक्वेरियस राशि या कुंभ राशि में जाएंगे, वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि इस ग्रहण पे डालेंगे, मतलब कि ये ग्रहण जैसे मेष राशि में पड़ रहा है, वहां पे शनि की तीसरी दृष्टि भी जाएगी। तो आप देखेंगे कि अनसर्टेनिटी के चांसेस या अनस्टेबिलिटी के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
ऑल्दो जुपिटर जो हैं वो मीन राशि में हैं और वहाँ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लाइफ के काफ़ी जो इवेंट्स हैं या लाइफ के काफ़ी आस्पेक्ट्स को वो एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एक सेविंग ग्रेस दे रहे हैं, लेकिन जुपिटर खुद भी, बृहस्पति अपने आप भी एक पाप कर्तरी योग में हैं, तो इसलिए वो जो ब्लेसिंग्स दे सकते हैं या जो उनके पास शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं टू गिव यू दैट सेविंग ग्रेस, वो भी वो उतनी डिग्री में नहीं दे पा रहे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दी सोलर इक्लिप्सिस एंड ऑल्सो इनके बाद, जब सोलर इक्लिप्सिस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद भी कुछ महीनों तक आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो ये इक्लिप्सिस एक या दो दिन का ही इवेंट होते हैं, पर इनका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा रहता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और सबसे ज़्यादा ये जिन राशियों को इम्पैक्ट करेंगे वो हैं मेष यानी कि एरीज, तुला यानी कि लिब्रा, क्योंकि मेष में ये ग्रहण पड़ रहा है और 1-7 एक्सिस पे डायरेक्टली वो वहाँ से तुला को देख रहा है जहाँ की केतु बैठा है। तो जो इम्पैक्ट है वो पूरा राहु केतु सन मून सभी का आएगा, और जिनकी की लियो राशि है, सिंह राशि है, उनका चंद्रमा वाली राशि जैसे कि कैंसर, कर्क राशि, उनको, जिनकी भी इन प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं जैसे कि मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा और सूर्य, इन सब की दशाओं में आप देखेंगे जिनकी भी ये दशाएं हैं वो लोग ज़्यादा इम्पैक्ट इसका महसूस करेंगे। ड्यूरिंग दी सोलर इक्लिप्सिस हम सब बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे ऑन अ मेंटल लेवल, बिकॉज दीज इक्लिप्सिस बिहेव लाइक द इंजेक्शन ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब ऐसा महसूस करेंगे कि किसी ने हमें एक एनर्जी से भरा हुआ इंजेक्शन दे दिया है एंड वी विल बिकम वेरी एम्बिशियस एंड वी वॉन्ट टू परसू न्यू थिंग्स एंड वी वॉन्ट टू जस्ट गो अहेड एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल, बट वी हैव टू यूज ऑल दिस एनर्जी इन मैनिफेस्टिंग जस्ट द पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज पिछले दिनों हमने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करा है और जो कुछ भी हमने खोया है या जिन नेगेटिविटीज़ का हमने सामना करा है उन सब के लिए हमें अब अपने आप को इस एनर्जी को यूज़ करते हुए पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहिए। एंड फॉर दैट वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स जिससे कि हम इस समय को अपने लिए अपने हित में कर सकें और पॉजिटिव बना सकें। These eclipses are the time for new beginnings, new startups. अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, आपसे कुछ ऐसा था जो पिछले दिनों आपसे छूट गया था, आप उसको restart करना चाहते हैं, so this is the best time to do that. आप किसी चीज़ में, किसी activity में पिछड़ गए थे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए you will feel as if there is a divine push. आपको कुछ divine कहीं से push मिल रहा है and which is helping you move forward. तो ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सारी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियली फोकस्ड रखना पड़ेगा और पॉजिटिविटी की तरफ हमें इन एनर्जीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। इसी समय कॉस्मोस में लक्ष्मी योग भी बन रहा है। लक्ष्मी योग पर्टिकुलरली तो कैंसर और वर्गो असेंडेंट वालों को या राशि वालों को बेनिफिट करेगा, बट अदरवाइज ऑल्सो फॉर ईच वन ऑफ अस ऑल्सो लक्ष्मी योग ऊपर कॉस्मोस में बन रहा है, तो वी ऑल शुड क्लीन आवर हाउस, डीक्लटर आवर हाउसेज एज मच एज पॉसिबल टू वेलकम गॉडेस लक्ष्मी, एंड जितना हो सके अपने आसपास की सराउंडिंग्स को सुंदर बनाएं, साफ बनाएं, सो दिस लक्ष्मी योगा विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर लाइफ टू। लाइक आई सेड, कुछ लग्नों के लिए और कुछ राशियों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगे कि ये बहुत अनसर्टन सिचुएशन है, अनस्टेबिलिटी वाला टाइम है, तो ऐसा हो सकता है कि यू लूज़ योर जॉब और यू हैव लॉसेज इन योर बिजनेस, तो प्लीज़ इन दिनों ये फेथ बना के चलिएगा कि जो भी कुछ इस समय आपके साथ हो रहा है, वो आपको इस समय लग रहा है कि बहुत मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, लेकिन यू विल रियलाइज इन द नियर फ्यूचर कि आपके लिए समथिंग बेटर इज वेटिंग, विल बी वेटिंग फॉर श्योर। तो उस फेथ को अपने अंदर आप प्लीज़ पक्की तरीके से रखिएगा, दैट विल हेल्प यू। वैसे तो इस ग्रहण का बाकी सारी 12 राशियों पे और लग्नों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा उसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने राहु केतु ट्रांजिट के ऊपर डाला था। काफ़ी हद तक, काफ़ी कुछ
वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये आपको इम्पैक्ट करेगा। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, दिस सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स बोथ विल बी गुड फॉर फ्यू राशीज। उनमें से कुछ हैं टॉरस यानी कि वृषभ, जेमिनाय यानी कि मिथुन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, सेजिटेरियस यानी कि धनु, केप्रिकॉर्न यानी कि मकर, एक्वेरियस यानी कि कुंभ और मीन यानी कि पाइसिस। इनके लिए ये सोलर इक्लिप्स बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो पांच राशियां हैं जैसे कि मेष यानी कि एरीज, देन कम्स कर्क यानी कि कैंसर, लियो यानी कि सिंह एंड देन लीब्रा, देन वर्गो एंड या दैट्स इट। सो इन राशियों के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे रखना है ध्यान, कैसे करना है अपने आप को तैयार इस सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के लिए, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले नंबर वन, कोई भी शुभ कार्य ठीक इक्लिप्स वाले दिन ना करें। और अगर जैसा मैंने कहा आपको इच्छा होगी न्यू वेंचर्स, न्यू बिगिनिंग्स करने की, शुरुआत करने की, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त जरूर निकलवाएं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। नंबर टू, आप अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को थोड़ा सा प्रोहिबिट करें, थोड़ा सा इन दिनों ना लें। सात्विक भोजन करें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच वन ऑफ अस। देन नंबर थ्री, जब भी ये ग्रहण आते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है अपने मनस का, मतलब हमारी मानसिकता, हमारे अंदर हमारे थॉट्स में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। फॉर दैट वी नीड टू मेडिटेट। तो अपने मन को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है, इनर, हमें वी हैव टू गो इनवर्ड्स, क्योंकि जो छिपी हुई चीजें हैं मन के अंदर वो भी बाहर आने की कोशिश कर सकती हैं। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जैसे कि आप उन्हें एक्टिवेट करें। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ों को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा मन शांत रहे। अगर सामने वाला बिल्कुल ही लड़ने के और झगड़ने के मूड में है तो आप थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा स्पेस बना लें, आप चले जाएं वहां से थोड़ी देर। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू अवॉइड। डूज एंड डोंट्स में वी हैव सीन द डोंट्स, नाउ वी विल सी द डूज, व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू मेडिटेट, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू गो इनर इनसाइड ऑफ अस, वी हैव टू टेक एन इनवर्ड जर्नी। अंदर जाना है खुद के, इंट्रोस्पेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, विच इज गोइंग टू मेक अस रियलाइज एंड मेक अस सी अ न्यू यू, अ न्यू अस। सो वो हमें करना है। फिर हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, बहुत सारी डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि उससे हमें, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, वील बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, वील बी एबल टू थिंक इन अ मोर सेन मैनर। सो दैट इज हाईली इम्पॉर्टेंट। वी नीड टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, बहुत अच्छे से सोना है। वाटर इनटेक अपना बढ़ा देना है बिकॉज दैट इज गोइंग टू कीप अस हाइड्रेटेड। ये आप नोटिस करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके मून को, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। सो बेसिकली नट शेल, वी नीड टू स्ट्रेंथन आर मून बिकॉज दैट्स गोइंग टू सेव अस फ्रॉम ऑल द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ऑल द मेंटल एंग्जाइटीज एंड स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्सिस एंड लूनर इक्लिप्सिस। साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेस विल बी जैसे सोने पे सुहागा, वो भी हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, करना होगा इन दिनों। हमें अपने मूड्स को लिफ्टेड अप रखना होगा, जो भी चीज़ हमें पसंद है वो करके। जैसे कुछ लोगों को कुकिंग से मूड लिफ्ट अप होता है, कुछ लोगों को कुछ पेपी सॉन्ग्स सुन के लिफ्ट अप होता है। अगर आपको कुछ ऐसा म्यूजिक सुनना है जिससे कि आपके मूड्स लिफ्ट अप हो और आप बहुत अपबीट फील करें, तो आपको वो करना चाहिए। आपकी कोई हॉबी ऐसी हो जो छूट गई हो पास्ट में, आप वो रीस्टार्ट कर सकते हैं। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट विद इन। तो ऐसी सब चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं और दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रही, प्लीज़ गो हैड एंड रीस्टार्ट देम, डू देम। इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू एंड इट विल कीप योर माइंड वेरी वेरी सेन, बहुत शांति आप महसूस करेंगे। और इस समय को पैसिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। आई होप हम सब इस समय को ठीक से पास कर सकें, सेफली और सेनली इस समय से
निकल सके। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शंस काफ़ी कम हैं। तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन इज़ वेल, सो दैट आपको पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।